गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में अपने 4.1 के 8 क्वेश्चन डाले, आज हम इसका 9वां क्वेश्चन देखते हैं। ये कथन दिया है हमें, प्रूव करना है स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल n, प्राकृत संख्या के लिए ये कथन क्या है, सत्य है। तो सबसे पहले इसको दिए गए कथन को हमें क्या मानना है, pn। दिए गए कथन को क्या मान के चलेंगे, pn। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लोगे, n इक्वल 1 के लिए आप प्रूव कर ही लोगे। देख लेते हैं, चलो n इक्वल 1 स्टेप फर्स्ट। n इक्वल 1 रखने पर p1 की वैल्यू यहां से क्या आएगी, 1/2। यहां इस राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो 1 - 1/2 की पावर 1, तो 1 - 1/2 एलसीएम लेंगे 2, तो 2 - 1, ये भी कितना आ गया, 1/2। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो p1 क्या है हमारा, सत्य है। इसके बाद क्या करना होता है, n इक्वल k पुट करते हैं। तो स्टेप सेकंड करते हैं, n इक्वल k रखने पर, n इक्वल k रखने पर, तो यहां पर n की जगह आप क्या पुट करेंगे, k पुट करेंगे, तो p k 1/2 + 1/4 + 1/8 - 1/2 की पावर n इक्वल में 2 की पावर k, n की जगह क्या पुट कर रहे हैं, इक्वल में 1 - 1/2 की पावर k। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, माना n बराबर k के लिए दिया गया कथन क्या है, सत्य है। मान के करते हैं, अर्थात p के क्या है, सत्य है, ये हम मानते हैं इसमें। फिर थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, n इक्वल k प्लस 1 रखने पर, n इक्वल k प्लस 1 रखने पर, तो n की जगह k प्लस 1 पुट करेंगे, तो p k प्लस 1 1/2 + 1/4 + 1/8 - 1/2 की पावर k प्लस 1 इक्वल में 1 - 1/2 की पावर k प्लस 1। ये आ गए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, ये कितने, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 1/2 + 1/4 + 1/8 - 1/2 की पावर k प्लस 1। यहां से क्या आता था, k प्लस 1 वाली वैल्यू होती है, उससे पहले वाली वैल्यू लिख लो k वाली, तो क्या आ जाएगा यहां पर, 1/2 की पावर k, 1/2 की पावर k। यहां से लेकर यहां तक वैल्यू हम इसकी कहां पे देखते हैं, समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 से इसकी वैल्यू लिखनी है 1 - 1/2 की पावर k, और प्लस में इसके साथ क्या रहेगा, 1/2 की पावर k प्लस 1। अब यहां पर राइट हैंड साइड में हमें 1 तो चाहिए थी, तो इसको ऐसे पढ़ा लेते हैं, 1 माइनस इसका एलसीएम ले लेते हैं, क्या आ जाएगा, 2 की पावर k प्लस 1। इसका एलसीएम क्या आ गया, 2 की पावर k प्लस 1। 2 की पावर k प्लस 1 को क्या ले सकते हैं, 2 की पावर k इंटू 2 की पावर 1, 2 की पावर k इंटू 2 की पावर 1। 2 की पावर k तो इसके पास है, तो क्या नहीं है, 2 की पावर 1 नहीं है, 2 की पावर 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर कितना आएगा, 2 ही आएगा। फिर प्लस स्टूडेंट्स, यहां पर ये हमारे पास फंक्शन किसका है, माइनस का है, तो यहां तो हम प्लस लगाए थे, ये इसका आ गया माइनस का 2, प्लस में 2 की पावर k प्लस 1 है, तो यहां पर क्या आ गया, प्लस का 1, तो -2 + 1 कितने हो गए, -1/2 की पावर k प्लस 1। यही हमें प्रूव करना है, तो इक्वल में क्या है, राइट हैंड, ऐसे नहीं करना, तो प्लस वाली संख्या पहले लिख लो, माइनस वाली बाद में लिख लो, ऐसे भी नहीं करना, तो यहां पर आपका माइनस चल रहा है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2 - 1, ठीक है, यहां अगर आप माइनस ले रहे हो तो ये संख्या प्लस की आएगी और ये किसकी आएगी, माइनस की, 2 - 1, 1, तो इसका है माइनस, इक्वल में है राइट हैंड से, तो
अतः गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा हम कह सकते हैं कि ये जो दिया गया कथन है स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, ये सभी प्राकृत संख्याओं के लिए क्या है, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया 1/2 × 5 1/2 × 5 + 1/5 × 8 + 1/8 × 11 फिर प्लस डैश 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 1/3n − 1 × 3n + 2 इक्वल में हमें प्रूव करना है n/6n + 4 ये सिद्ध करना है स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल n, ये सभी प्राप्त संख्याओं के लिए क्या है, सत्य है। गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा इसको करें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिए गए कथन को pn मानते हैं, तो मैंने एक ही परिमाण लिया n इक्वल 1 के लिए आप खुद प्रूव कर ही लो। स्टेप सेकंड देखते हैं, इसमें सेकंड स्टेप में n इक्वल k रखने पर, तो n की जगह पर k पुट करते हैं, तो p के 1/2 × 5 + 1/5 × 8 + 1/8 × 11 डैश 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 n की जगह पर यहां क्या पुट करेंगे k, तो 1/3k − 1 × 3k + 2 इक्वल में k/6k + 4 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करते हैं, मान के चलते हैं n बराबर k के लिए दिया गया कथन हमारा क्या है, सत्य है। तो ये हमने मान लिया n बराबर k के लिए दिया गया कथन सत्य है, अर्थात p के क्या मान के चलेंगे, सत्य। अब आती है थर्ड स्टेप की बात, तो उसमें क्या करते हैं, n इक्वल k प्लस 1 रखने पर, तो n इक्वल क्या करेंगे अब k प्लस 1, तो p k प्लस 1 1/2 × 5 1/5 × 8 1/8 × 11 फिर प्लस डैश 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 यहां पर n की जगह क्या पुट करना है, k प्लस 1, तो 1/3 × k + 1 − 1 ब्रैकेट बंद, फिर यहां पर 3 × k + 1 + 2 ये भी ब्रैकेट बंद, इक्वल में n की जगह यहां भी k प्लस 1, तो k प्लस 1 अपॉन में 6 × k + 1 + 2 प्लस में 4। तो अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, 1/2 × 5 5 × 8 + 1/8 × 11 डैश 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 1/3 × k + 1 − 1 3 × k + 1 + 2 प्लस में, ये तो k प्लस 1 वाली वैल्यू है, तो k प्लस 1 से पहले क्या है k, तो k वाली वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, 1/3k − 1 × 3k + 2 अब यहां से लेकर यहां तक इसकी वैल्यू हमारे पास समीकरण 1 में है, तो समीकरण 1 से वैल्यू पुट करते हैं, k अपॉन में 6k + 4 + 1/3 × k + 1 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3k + 3 − 1 × 3k + 3 और प्लस में 3k + 3 + 2 तो k अपॉन 6k + 4
प्लस वन अपॉन प्लस थ्री माइनस वन, तो थ्री के प्लस टू इंटू थ्री के प्लस फाइव। यहां से भी हम टू कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, थ्री के प्लस टू, क्या रहेगा ब्रैकेट में, थ्री के प्लस टू। पूरे में से हमारे पास कॉमन आ रहा है वन अपॉन थ्री के प्लस टू, तो पूरे में से ये हम कॉमन लेंगे, तो यहां से कॉमन लेते हैं, ये हम इंप्रूव कर रहे हैं, ये ऐसे कैसे पढ़ाई इसमें रख देते हैं बॉक्स में। कॉमन लेंगे वन अपॉन थ्री के प्लस टू इंटू में, यहां से वन अपॉन थ्री के प्लस टू कॉमन आ गया, ब्रैकेट में रह गया के अपॉन टू प्लस वन अपॉन थ्री के प्लस फाइव, थ्री के प्लस फाइव, तो वन अपॉन थ्री के प्लस टू इंटू एलसीएम लेंगे, यहां से एलसीएम टू इंटू थ्री के प्लस फाइव, इसके अपॉन में टू है, टू से टू कैंसल, थ्री के प्लस फाइव के मल्टीप्लाई में के इंटू थ्री के प्लस फाइव, प्लस में थ्री के प्लस फाइव से थ्री के प्लस फाइव कैंसल, टू रह गया टू इंटू वन टू, तो वन अपॉन थ्री के प्लस टू इंटू थ्री के स्क्वायर प्लस फाइव के प्लस टू अपॉन में टू इंटू थ्री के प्लस फाइव। अब यहां पर इसके टुकड़े के लिए गुणा करने पर छह के स्क्वायर बने, जोड़ने या घटाने पर प्लस के पांच के, तो दो इंटू तीन छह, दो प्लस तीन पांच, तो इसके टुकड़े लिखेंगे यहां पर वन अपॉन थ्री के प्लस टू इंटू थ्री के स्क्वायर प्लस टू के प्लस थ्री के प्लस टू अपॉन में टू इंटू थ्री के प्लस फाइव, वन अपॉन थ्री के प्लस टू, यहां से कॉमन लेंगे, यहां से कॉमन आ गया कि ब्रैकेट में थ्री के प्लस टू, फिर प्लस यहां से कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, कितना कॉमन लेंगे वन, ब्रैकेट में थ्री के प्लस टू अपॉन में टू इंटू थ्री के प्लस फाइव। अब इस पूरे में से कॉमन क्या आएगा, थ्री के प्लस टू, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा हमारे पास के प्लस वन अपॉन में थ्री के प्लस टू इंटू टू इंटू थ्री के प्लस फाइव, थ्री के प्लस टू थ्री के प्लस टू कैंसल, के प्लस वन लेके आए तो के प्लस वन तो आ गया यहां पर, के प्लस वन अपॉन में मल्टीप्लाई करते हैं इसका इसके साथ टू इंटू थ्री सिक्स के प्लस टू इंटू फाइव टेन, तो क्या आ गया सिक्स के प्लस टेन। तो यहां से इसको देखते हैं, इसको ओपन करें तो सिक्स के प्लस सिक्स प्लस फोर, ये बने सिक्स के प्लस सिक्स प्लस फोर, तो इस टेन को क्या लिख लेते हैं के प्लस वन अपॉन में सिक्स के प्लस सिक्स प्लस फोर। तो अब यहां से इसमें से सिक्स कॉमन लेंगे तो के प्लस वन अपॉन सिक्स इंटू के प्लस वन प्लस में फोर इक्वल में राइट हैंड साइड। तो अतः गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा दिया गया कथन स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन सभी प्राकृत संख्याओं के लिए क्या रहेगा, सत्य रहेगा। ग्यारहवां क्वेश्चन इसका इसी प्रकार से सिंपल क्वेश्चन है, वो आप स्वयं करोगे, बाकी इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर।